प्रयागराज से खबर है। माफिया अति के अवैध साम्राज्य पर आज सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। 120 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जिन्हें कुर्क किया जाएगा। कुर्क होने वाली एक संपत्ति झूसी, दूसरी धुमनगंज के कसारी मसारी इलाके में है। दोनों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। अवैध तरीके से धन अर्जित कर ये दोनों संपत्तियां बनाने का आरोप है। दस्तावेजों में एक संपत्ति पिता के नाम है और जो दूसरी संपत्ति है वो अतीक के नाम पर है। तो कार्रवाई की, एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी माफिया अतीक के खिलाफ पुलिस की तरफ से की जा रही है। संपत्ति करोड़ों की जिसे कुर्क किया जाएगा माफिया अतीक की। इस वक्त हमारे सहयोगी प्रयागराज से गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, एक बड़ी कार्रवाई की तैयारियां यहां पर हो रही है माफिया अतीक के खिलाफ। करोड़ों की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया जाना है, अभी क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल, अतीक अहमद के खिलाफ आज उसके अवैध साम्राज्य पर एक बड़ी कार्रवाई जो है प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जानी है, जिसमें 128 करोड़ की दो अलग अलग भूखंड है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया जाना है। ये अवैध तरीके से इन संपत्तियों को अतीक अहमद ने अर्जित किया है। माना ये जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद इस कार्रवाई को प्रयागराज पुलिस जो है वो अंजाम देगी, क्योंकि जिलाधिकारी के तरफ से कल ही कुर्क करने की जो अनुमति है वो मिल चुकी है। हम उसी जगह पर मौजूद है, तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि ये एक भूखंड एरिया है जिस पर एक कार्रवाई जो है कुछ समय के बाद यहाँ पर प्रयागराज जो पुलिस है और प्रशासन की जो टीम है वहां पर पहुंचेगी। और ये कार्रवाई करने के बाद इसी इलाके में एक दूसरी जगह भी है जहां पर वहां पर भी कुर्की की जो पूरी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाना है। माना ये जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर प्रयागराज पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो पहुंचेगी। एक तरीके से ये साफ कह सकते हैं कि अतीक अहमद का जो अवैध साम्राज्य है उसको लगातार ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है प्रयागराज में चल रही है, लगातार उसके अवैध जो संपत्तियां हैं उस पर कुर्की हो या फिर जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। उसी कड़ी में सबसे बड़ी कार्रवाई आज की जानी है जिसमें 128 करोड़ की संपत्तियां हैं जो अतीक अहमद नहीं बल्कि उसके पिता जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके नाम अभिलेखों में दर्ज है और उसके चाचा के नाम अभिलेखों में दर्ज है। 2007 में बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों का अतीक अहमद ने अर्जित किया था। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।